हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी साइंस एकेडमी। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 66। ओके, सो आज हम नायलॉन 66 की प्रिपरेशन करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए, नायलॉन 66 एग्जांपल है ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का। ओके, सो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में दो डिफरेंट क्या होते हैं, मोनोमर कंडेंस होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लेंगे मोनोमर। ओके, दोनों मोनोमर कैसे होने चाहिए, पॉलीफंक्शनल मोनोमर होने चाहिए, मतलब दोनों मोनोमर में दो दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम पहला मोनोमर लेंगे एडिपिक एसिड। ओके, दिस इज एडिपिक एसिड। ओके, देन सेकेंड मोनोमर विल बी हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन। ओके, एंड टाइम्स क्या लेंगे हम, हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन। सो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन का, NH2 CH2 6 NH2। ओके, दिस इज हेक्सामिथिलीन डाइअमीन। ओके, सो ये रहे हमारे दो डिफरेंट मोनोमर। ओके, अभी यहां पर इनका कंडेंसेशन होगा। ओके, यहां पर देखिए, यहां पर हम टेम्परेचर देते हैं यहां पर 553 केल्विन। ओके, बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर होता है। ओके, सो यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से OH। ओके, मतलब यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, सो इस तरीके से, ये देखिए। ओके, वैसे यहां पर हम इसको लिख देते हैं। ओके, सो यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH। ओके, मतलब यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। ओके, देन नेक्स्ट, यहां से OH एंड यहां से H। ओके, मतलब यहां से दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो गया। ओके, सो यहां पर हम इस तरीके से लिखेंगे माइनस n नंबर ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, यहां पर n नंबर ऑफ वाटर क्या हुआ, एलिमिनेट हो गए, रिमूव हो गए। ठीक है, देन नेक्स्ट बचा हुआ जो भी उसको हम एज इट इज लिख देंगे। यहां पर देखिए CO, देन CH2 4, देन C डबल बॉन्ड O, देन नेक्स्ट NH, देन CH2 6, ओके, देन NH। ओके, ये रहेगा N टाइम्स। ओके, सो ये कौन सा पॉलीमर फॉर्म हुआ है, दिस इज नायलॉन 66। ओके, सो ये है नायलॉन 66 का प्रिपरेशन। ओके, यहाँ पर हमने दो मोनोमर लिए हैं, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमाइन। ठीक है, जब दोनों कंडेंस होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है। ओके, और हमें पॉलीमर मिलता है, दैट इज नायलॉन 66। ओके, सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।